इंट्रोड्यूस एक्सटेंडेड पेरिमीटर्स। आज देखेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। अभी ये क्या चीज है, यहाँ पे बहुत सारे दिखते हैं अपने को, कुछ विजिबल है कुछ विजिबल नहीं है। अपने को पढ़ना है प्रोबुलियन, लास्ट में देखो प्रोबुलियन और बुलियन दो ही टॉपिक पढ़ने। यस आ जाओ जल्दी आ जाओ। प्रोबुलियन एंड बुलियन, ओके दो ही टॉपिक पढ़ने। क्यों? ये बाकी जो दिख रहा है ना, ये मेशर वगैरह जो दिख रहा है आपको, ये अपने काम का कुछ नहीं है। ये मॉर्फर मेशर, ये जो चीजें होती है, आपने कार्टून देखा है, कार्टून नेटवर्क पे कार्टून देखते हो, 3D कार्टून ना, टॉम एंड जेरी नहीं, वो 2D कार्टून हो गया। वो जब बात करता है ना, उसका मुंह हिलता है, आईज हिलते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्फर। ये मॉर्फर जो है ना, जरिए मॉर्फ, इससे थ्रू वो काम होता है। आपने कुछ काम का है छोड़ दो। अभी देखते हैं बुलियन प्रो बुलियन कैसे काम करता है। ये विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे रेडी नहीं किए। समझो ये आपका वॉल है, ठीक है, ये मेरे पास एक वॉल है। अभी मुझे ये वॉल पे विंडो बनाने का है, बराबर। एक एरिया है जो कट हुआ है वॉल में से, वो एक एरिया कोई भी शेप हो सकता है। अभी अपने पास शेप तो ज्यादा कुछ ही नहीं, बॉक्स है, स्पीयर है, ऐसे कुछ शेप है, बराबर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक सर्कुलर विंडो है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसके, ये बॉक्स में से उतना एरिया मुझे निकालने का। तो अपने को एक इसके लिए जो इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट रहेगा वो ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर। अगर मुझे सर्कुलर चाहिए तो मैं सिलेंडर लूंगा, बॉक्स में चाहिए रहेगा तो बॉक्स लूंगा। अगर यहाँ पे आड़ा टेढ़ा शेप्स रहेगा कुछ भी, वो हम लोग ने अभी तक बनाना सीखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आपको कोई भी शेप होएगा, समझो इसके अंदर आर्च है अपना, मुगल आर्किटेक्चर का आर्च है या अपना हिंदू आर्किटेक्चर का आर्च है, आप वो शेप ड्रॉ करके भी इसके अंदर से वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उतना एरिया निकाल सकते हो बाहर। तो मैं फिलहाल सिलेंडर सिलेंडर मतलब सर्कल दिखाना है। इतना एरिया मैंने ड्रॉ किया, राइट, बराबर है। अभी ये पोजीशन ऐसा रखना है अपने को कि ये बॉक्स है उससे थ्रू हो जाए, वो तोड़ना है ना उसको, अपने को तोड़ना है। तो टॉप में देखेंगे तो ये मेरी वॉल इधर है, ये सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया था वो इधर है, बराबर। इसकी पोजीशन देनी पड़ेगी अपने को ऐसा कुछ ना, मतलब ये वॉल के ये साइड भी आधा होना चाहिए, ये साइड भी आधा होना चाहिए। आप ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि बराबर आधा ही होना चाहिए, आपको ऐसा रखना है हल्का सा आप रख सकते हो, ऐसा नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसे रखोगे, चार्जर लेके आना, आपको ऐसा रखना है तो भी चलेगा, आप ऐसा नहीं रख सकते। अगर आप ऐसे रखोगे तो क्या होएगा, निश समझते हो सब लोग, निश किसी को मालूम नहीं, निश मतलब क्या, सबको मालूम है, सब लोगों ने देखा है, मालूम है ना, नहीं मालूम पक्का। तो मेरे को वॉल के अंदर एक छोटा सा खड्डा बना दे जिसके अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए, या उसको निश बोलते हैं, निश आर्किटेक्चर लैंग्वेज में निश बोलते हैं उसको, बराबर ना। ये तुम लोग कुछ बोलते, तुमको कुछ और बताया, हाँ सिल्ट वाले पेंसिल के टाइप अलग अलग है, पर उसको निश बोलते हैं, नॉर्मल आर्किटेक्चर वाले हम लोग निश बोलते हैं, ये मेरे को मालूम है, हम लोग निश बोलते। तुम लोग क्या और बोलते हैं, क्या कोई दूसरा वर्ड यूज करते हो क्या? हाँ हाँ, तो हाँ बोलो, मेरे को भी समझ में नया वर्ड क्या है, कि मेरे सर ने मेरे को जो सिखाया मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी अपने को थ्रू दिखाना है तो मैं ऐसा दिखाऊ, हाँचे ना रखी, ये हाँचे का है।
चालू करें, बंद हो जाए ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इग्नोर कर दो। पोजिशन बार सब बराबर हो गया, इतना समझा। अभी क्या करने का, ये जो वॉल है ना उसको सिलेक्ट करने का, गलती मत करना। कुछ लोग इसको सिलेक्ट करते हैं फिर बुलियन करते हैं। ऑपरेशन जो होने वाला है इसका वो अलग होने वाला है। जो वॉल है उसको पकड़ना है अपने को, इसके ऊपर तोड़ने का है वो पहला सिलेक्ट करने का, कंपाउंड में जाने का, बुलियन इसके नीचे आने का, ये ऐड और नीचे यहाँ पे ऐड ये ऑप्शंस। आपको क्या करना है, निकालना है सब्ट्रैक्ट। मैंने क्या किया, ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट और मैंने बोल दिया सब्ट्रैक्ट, तो ये पार्ट में से उतना वाला एरिया निकल गया। समझा, बुलियन समझा? नहीं वापस बता, आपको बहुत काम आएगा ये चीज। आड़े टेढ़े शेप बनते ना, जब ऐसा शेप है उसमें से वो काटा है, बहुत ऐसे से आड़े। अगर आपका मेन डिजाइनर या आपका सीनियर या आप खुद, फिनिश कर लेना, तो ज्यादा जितना निश का डेप्थ है ना उतना ही ऑब्जेक्ट रखते हो। मैंने थ्रू रखा था इसलिए थ्रू हो गया, दिखा था वो। अगेन बताता हूँ, देखो ध्यान देना। आपको जैसी विड्थ वगैरह रहे चाहिए, आपका जो साइज रहेगा वो मैं अंदाज से ले रहा हूँ। मैं कोई स्पेसिफिक डायमेंशन यूज नहीं करेंगे, डायमेंशन में हम लोग बाद में काम करेंगे। मैंने सिलेंडर लिया था, अभी मैं बॉक्स लेता हूँ। चलो ठीक है, ये मैंने ऐसा रखा था, इसके वजह से थ्रू हो गया। अगर मैं, मुझे कितना डेप चाहिए, इतना डेप चाहिए या और ज्यादा डेप चाहिए मुझे, तो वही हिसाब से मैं रखूंगा ठीक है। फिलहाल मैं आपको थ्रू दिखाता हूँ और इसका एक कॉपी बाजू में रखते हैं। एक कॉपी क्यों कर रहा हूँ, शायद गलती से ये इंस्टेंस होने के कारण वो ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने कॉपी रखा है। सिलेक्ट वॉल, वॉल को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आया मैं, कंपाउंड बुलियन ऐड ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे नीचे ऑप्शन से मैंने बोल दिया सब्ट्रैक्ट। बस और कुछ नहीं करना। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है उतना एरिया निकल जाए, कट हो जाए। आपने ऑटोकैड में वगैरह सब में देखा रहेगा, सब्ट्रैक्ट वगैरह है, ये सब चीजें है बराबर। अभी देखते हैं नीच कैसे बनता है। सेम प्रोसेस है, बुलियन ऐड ऑब्जेक्ट्स से करना है। ये ऑब्जेक्ट मैंने थ्रू रखा इसलिए थ्रू बन गया, ये मैंने थ्रू नहीं रखा था, जितना मेरा डेप्थ चाहिए था उतना डेप्थ में मैंने रखा। समझा, कभी बाय चांस लकी ले आपको लगता है कि नहीं ये शेप चेंज हो गया, तो आप इसको भी ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट कर दिया और यहां से आप कर सकते हो उसको रिमूव या फिर उसको ओपन करो। एक्सट्रैक्ट
ट्रक ऑप्शन में। इसके पास पुराने वर्जन है 17-18। तुम लोग जब पिक करोगे ना दूसरा ऑब्जेक्ट, तुरंत बुलिन होएगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं होती। सब्ट्रैक्ट अपने आप सब्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर, यहाँ पे मैन्युअली करने बोलते हैं सब आपको क्या करने का। हाँ, और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली क्या किया, एक दूसरा ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट करके, इधर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का है और यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है एक्सट्रैक्ट करके। आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो जो वाला बॉक्स था ना वो आपको मिलेगा वापस, मतलब ऐसा दिखेगा आपका, ये ऐसा आएगा वापस, ठीक है, मतलब नॉर्मल पोजीशन है ना, ये ऐसा आएगा बाहर उसमें से, और फिर आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो विड्थ वगैरह, देन अगेन पुलिंग ऐड करने का। समझा? पुराने वर्जन में थोड़ा चेंज है थोड़ा, ये नए वर्जन में अभी मैं 21 है ना, हाँ इसमें ये ऑप्शन ऐड हो गया, ये ऐसा बटन दिया अलग से जो आप सब ट्रैक करना है क्या करने का है। अब समझो मैंने यूनियन कर दिया, तो देखो क्या है, दोनों अटैच रहेंगे और समझो ये कर दिया तो क्या हो गया, जो मेरी मेन वॉल थी ना वही निकल गई। अभी ये आपने बॉक्स में देख खेल रहे हैं ना, ऐसा इश्यू है। अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स लो के करोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। समझा क्या? समझा ना? मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रहता है, मेरे को वो ऑब्जेक्ट ही चाहिए उसमें, वो पार्ट में से वो ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, सब ट्रैक किया था, उतना एरिया काट दिया था, तो वॉल में से वो एरिया काटना है मुझे। वो जो शेप है वही चाहिए मुझे, वॉल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्ट करूंगा। कंफ्यूजन है? है ना? बोला विचार को है ना, तो चेहरा सामने ना मलाई। मैंने क्या किया था, ऐसा कुछ बनाया बराबर ना, ये बॉक्स मैंने बनाया, मुझे क्या समझो इसके अंदर मुझे ये इतना एरिया होलो चाहिए, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। पर अभी मुझे क्या चाहिए, ये शेप है ना, ये शेप यही चाहिए मुझे, बाकी ये वाला नहीं चाहिए, तो मुझे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे वॉल के ऊपर खड्डा चाहिए तो मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट। क्लियर? अभी किसी को कोई डाउट? नहीं, लास्ट बेंच आपको, आपको नहीं, उन लोग को चाहे तो यहाँ पे भी ले लो, या पीस में ले लो, पीछे से नहीं दिख रहा होगा, आवाज नहीं आ रही होगी। अभी नेक्स्ट देखेंगे प्रो बुलिंग कैसे काम करता है, ये बुलियन में क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है और वो मुझे सब्ट्रैक्ट कर रहा, तो मैं यूज करूंगा मैं कुछ सेटअप बना रहा हूँ अभी फिलहाल, देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने ट्यूब ले लिया, अभी इसके अंदर मुझे ना फ्रंट में से यहाँ पे सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सिलेंडर, और इसकी पोजीशन में कुछ ऐसा रखूंगा रेडियस थोड़ा सा छोटा। ओके, अभी ये ऑब्जेक्ट को मुझे ऐसे राउंड शेप में कॉपी 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 करना है, क्या कर सकते, अपने पास रोटेट ऑप्शन है बराबर है, इसको मैं बोलता हूँ सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में चला जाए, ये हम लोगों ने देखा था राइट, याद है? याद है, ये देखा था मैं, हम लोग याद है? नहीं,
अफेक्ट पॉइंट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट। ये पाइवट समझो कभी आपसे गलती से यहाँ पे आ गया और अभी मुझे चाहिए ये ऑब्जेक्ट के बराबर सेंटर पे, तो मैं बोलूंगा सेंटर टू ऑब्जेक्ट, तो बराबर ऑब्जेक्ट के सेंटर में चला जाएगा। आ गया, फ्रंट में भी है टॉप में भी है। ओके, इसका काम हो गया, इसको बंद कर देते, नहीं तो क्या होगा, वापस पोजिशन चेंज होगी। अभी इसका पोजिशन बराबर यहाँ पे, इसको ऐसे अलाइन करना पड़ेगा कि ये रोटेट में घूमे ऐसा, मतलब ये जो शेप है ना, ये एरो दिख रहा है मेरा, इसको फॉलो कर, रोटेट करूंगा तो इसको फॉलो करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ, मैं रोटेट करूंगा तो ये इधर फॉलो कर रहा है ना, ऐसा ऐसा नहीं, वो ऑब्जेक्ट को बराबर फॉलो करना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, इफेक्ट पावर ओनली करेंगे, मूव वाला कमांड यूज करेंगे। ये दिख रहा है, ये साइड्स दिख रहे हैं ना इसके, लाइन लाइन, ये छोटे 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 छोटे, अगर आप देख ठीक से देखोगे, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है छोटा, ये मेरे रेफरेंस पॉइंट हो गए। मैं क्या करता हूँ देखो, स्नैपिंग ऑन करता हूँ 2.5 वाला, मैंने यहाँ पे दे दिया उसको एक रेफरेंस पॉइंट, ये डायरेक्शन में दिया ये रेफरेंस पॉइंट, अपोजिट डायरेक्शन दे रहा हूँ। अगर मैं ग्रीन वाला पकड़ता हूँ वर्टिकल वाला, तो मैं रेफरेंस पॉइंट देता हूँ हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल पकड़ता हूँ तो रेफरेंस पॉइंट देता हूँ वर्टिकल वाला, अपोजिट करने का मेरे, इससे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट सेंटर आ गया। अभी इन दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है कि नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं है, तुम लोग क्या बोलते हो? तुम लोग क्या बोलते हो? अरे है ना, ये देखो ना, ये इसका पकड़ा तो इधर ही है, इसका पकड़ा तो इधर ही है ना, चेंज हो गया क्या कुछ? मैं इसका पकड़ता हूँ तो भी इधर ही दिखा रहा है, इसका पकड़ता हूँ तो फिर भी इधर ही दिखा रहा है, तो है ना, इसको रोटेट करते तो देख तो क्या होता है, फॉलो कर रहा है बराबर, बस अभी अपने को कॉपी करना है इसका, राइट क्लिक ऑप्शन एंगुलर स्नैप, कि कौन सी एक स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर वो ऑब्जेक्ट कॉपी रहे, एक डिस्टेंस अपने को मेंटेन करना है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फिलहाल कुछ 30 डिग्री, शिफ्ट दबा के, ये एंगुलर स्नैप, ये इसका शॉर्टकट ए ए ए ए फॉर एप्पल, हाँ ओके, एक बार कॉपी किया, यहाँ पे मुझे पूछता है नंबर ऑफ कॉपी, कॉपी करना है, इंस्टेंस करना है, रेफरेंस करना है, जो भी करना है, मैं कॉपी रखता हूँ फिलहाल, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखते कितने बैठते, इतना बैठा ठीक है, और बैठेंगे ओके okay? देखो क्या बन गई, अलाइन हो गया बराबर, स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन हो गया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जिसके ऊपर अपने को ऑपरेशन करना है वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कंपाउंड प्रो बुलिन और स्टार्ट पिक, ये पिक हेलो करते हुए प्रॉपर वही ऑब्जेक्ट को पिक करना, गलती से ये ऑब्जेक्ट को पिक सर, नहीं करने आप। ओके, ऑपरेशन कंप्लीट, कमांड बंद कर दो। हेलो सर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास और वो मुझे बुलियन करने हैं, तो मुझे प्रो बुलियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुलियन नहीं, बुलियन एट अ टाइम आपको एक ऑब्जेक्ट ऐड करने बोलता है वही सब्ट्रैक्ट करता है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत मल्टीपल सारे ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप देखोगे इसके नीचे लिस्ट में, ये देखो ये सारे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सब्ट्रैक्टेड, ऑब्जेक्ट कितने हैं, सिलेंडर 10 11 12 13, ये सब ये दिख रहे हैं ना, इतने सारे ऑब्जेक्ट मेरे सब्ट्रैक्ट हो गए, समझा? डाउट कोई इसके अंदर अलाइनमेंट कैसे किया था, वो रोटेट मैंने कॉपी किया था वो समझा, पाइवट कैसे चेंज किया था, सेंटर कैसे किया था उसको बराबर, दोनों का मैच किया, इजी है, कोई ये नहीं था, खाली आपको एक बार ये टेक्निक समझ में आया ना बस, क्लियर है सबको, किसी को डाउट नहीं ना, लास्ट बेंचेस।
ये 30 डिग्री में मैंने कॉपी किया, ऐसा कोई यहाँ पे स्पेसिफिक। हाँ ऑब्जेक्ट सर्कुलर है, सर्कुलर है, तो तू कॉपी करता ना तो एक स्पेसिफिक एंगल मरीज कॉपी करना, राउंड है ना तो एंगल मरीज कॉपी करना, 360 डिग्री है। जैसे मेरे तुरा मन किती नंबर ऑफ कॉपीज हेलो पाहिजे, सर, तर याच्यामध्ये किती बसले होते ते 8 होते आणि नंतर 3 ऍड केले, स्क्वेअर आहे का, तो मॅन्युअली तरी पण डिस्टन्स के ऊपर कॉपी करतो, समजा। सर अभी तक ये इतने सारे टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को भी नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कुछ डाउट, कनकवली वाले लोग, पुणे वाले लोग, सर प्लीज जरा चैट में आपका कुछ डाउट है, ओके डिडंट गेट दिस पॉइंट, ये वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट को किसी को डाउट है, ये टॉपिक हम लोग वापस कवर करते हैं, ओके। मैंने ट्यूब लिया था क्योंकि मुझे सेंटर में होलो चाहिए था, इसके लिए आपको होलो दिखाना है। आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है आप दूसरा ले सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, यही लेने का है। ओके मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, देन इसके ऊपर मैंने सिलेंडर क्रिएट किया था, ये भी आप ऑब्जेक्ट दूसरा बॉक्स ले भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, तो यही इस्तेमाल करना है अगर आपको बॉक्स चाहिए तो। हम लोग अभी ये टॉपिक में बॉक्स लेते जाए तो एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ओके। इसकी साइज जो भी रहेगी आपको आपके ऊपर है, ओके। इसका सेंटर पॉइंट अभी बराबर है, इसको कुछ करने का नहीं। अगर आपको लगता है आपके मन के शांति के लिए एफर्ट फॉरवर्ड ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दिया, ओके। दूसरी चीज यहाँ पे आने का है, इसका बेस जो एक्सेस पॉइंट जो है यहाँ पे है, अभी अपने को चेंज करने का है, एफर्ट फॉरवर्ड ओनली करने का है, स्नैपिंग का इस्तेमाल करने का है। मैं टॉप में काम कर रहा हूँ इसलिए मैं 2D का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब 2.5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बराबर स्नैपिंग। मुझे वाई डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं वर्टिकल में चेंज कर रहा हूँ, मुझे रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वाला, कोई भी एक दे दो, और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ये वाला दे दो, बराबर इसका काम हो गया। एफेक्ट पॉइंट ओनली जो है वो मैंने ऑफ कर दिया, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अगर ये ऑफ ऑन रख के कुछ काम करोगे तो क्या होगा, वापस चेंज हो जाएगा, इसका इफेक्ट होने का काम हो गया है, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूं। अभी क्या करने का, अपने को यहाँ पे कुछ एंगल सेट करना है का। इसके ऊपर राइट क्लिक किया मैंने, ये मेरा एंगल स्नैप का विंडो, जो भी डायरेक्ट जितना डिग्री में मुझे चाहिए, मैंने 30 डाला था, मैं 45 डालता हूँ, चलो मैंने चेंज कर दिया 45, ओके। अभी आपको रोटेट करने का है, क्योंकि मैं रोटेट करूंगा तो ही ये इसको फॉलो करने वाला है, मैं मूव करूंगा तो फॉलो नहीं करने वाला है, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज होएगा। अभी क्या हो रहा है, ये बराबर घूम रहा है ऐसा, बचपन में हम लोगों ने कंपास से सर्कल बनाते थे, मालूम है सबको, मालूम है सब लोगों ने मैथ पढ़ा है, वही टेक्निक है ये मेरा है कंपास का मेटल पॉइंट जो है वो, ये मेरी पेंसिल है, जो ऑब्जेक्ट है मेरी पेंसिल है, अगर मैं इसको रोटेट में घुमाऊंगा तो क्या होने वाला है, ये सर्कल क्रिएट करने वाला है, शिफ्ट एक कॉपी बनाना है अपने को, ओके। इसने डिस्टेंस इतना 45 का जो भी है इसका डिस्टेंस है वो उसने ले लिया, नंबर ऑफ कॉपीज आपको डालने का है यहाँ पे, आपको जो भी चाहिए कॉपी इंस्टेंस रेफरेंस, मैं कॉपी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे
बुलियन करने का है, तो ऐसा नहीं कि एक के ऊपर कुछ इफेक्ट हो गया तो बाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कॉपी ही इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी डालूंगा। ओके, ये बराबर सर्कुलर में ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहे हैं, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो भी मैंने बनाया है वो मेरा राइट है कि नहीं है। बराबर, अभी जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है अपने को उसको सिलेक्ट करते हैं, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं प्रो बुलियन, और यहाँ पे खाली आपको करना है स्टार्ट पिक, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए थे उसको पिक करने का। ओके, कमांड कंप्लीट, स्केप कर दिया मैंने कमांड में से, मैं बाहर आ गया, या दूसरी कमांड देता कोई तो। ओके, समझा सर? प्लीज जरा चार्ट में लिखना ये पॉइंट, आपको समझा है कि नहीं? पुणे स्टूडेंट्स और कणकवली स्टूडेंट्स, जो भी अभी मैंने पढ़ाया, जो भी है जिसका ये डाउट था, ये क्लियर हुआ कि नहीं सर? प्लीज जरा चैट में लिखो। ओके सर, थैंक यू। ओके, ये सब समझा सबको? आपको डाउट नहीं ना किसी को भी अभी भी? ओके, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले, ये ज्योमेट्री से थोड़ा अलग है, तो ज्योमेट्री ये नहीं है, हम लोग अभी स्विच करने वाले हैं शेप्स के अंदर, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने से। तो कैसे बनेंगे? हम लोगों ने देखा था अभी तक ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री था हमारा राइट, अभी हम लोग स्विच कर रहे हैं शेप्स के अंदर, फिर हम लोग बाद में विंडोज डोर जो है वो टॉपिक हम लोग बाद में कवर करेंगे, वो इतना मेन टॉपिक नहीं है, नॉर्मल विंडो जो भी दिया उसने, जो डोर दिए वही है इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर शेप्स, ये अपने को पढ़ना है। सबसे पहला शेप्स के अंदर होता है स्प्लाइन। ओके, नर्व्स कर्व वगैरह जो है, कंपाउंड शेप्स, एक्सटेंडेड शेप्स, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए खाली स्प्लाइन है। अपने ऑटोकैड में भी पढ़ा है स्प्लाइन लाइन, तो अपने को स्प्लाइन पढ़ना है, और सबसे पहला जो है लाइन। ओके, लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन बनते कि क्रिएशन मेथड कैसा है इसका, कॉर्नर बेजियर यहाँ पे भी लिखा है स्मूथ कॉर्नर स्मूथ बेजियर, ये क्या चीज है? जब मैं लाइन क्लिक करता हूँ एक, तो मुझे ऐसा पूछता है, जब तक इसका स्टार्ट पॉइंट और इसका एंड पॉइंट मैच नहीं होता तब तक लाइन ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, मतलब तो लाइन का जो कमांड है वो कंप्लीट नहीं होगी। आप इसको ब्रेक कर सकते हो बट ये एज अ शेप एज अ काम नहीं करेगा, एक जस्ट लाइन एज अ काम करेगा, ये शेप नहीं बना अभी तक, जब तक आप इसका स्टार्ट और एंड मैच नहीं करते हो। देखो मैं मैच करता हूँ इसको, तो मुझे पूछता है कि जो स्प्लाइन आपके है उसको क्लोज करना है क्या? मैं करता हूँ यस, अगर नो करेंगे तो वापस वही कमांड आपकी चालू रहेगी जब तक यस नहीं करोगे। ठीक है, ये मैंने ऐसा शेप बनाया, अभी ये आड़ा टेढ़ा कैसे भी बनाए, अगर आपको स्ट्रेट लाइन में काम करना है तो आप क्या करोगे? क्लिक, ये लाइन कैसे भी ड्रॉ कर सकते आप। भी मेरा आपके ऑटोकैड में ऑर्थो करके ऑप्शन रहता है, इसके अंदर ऑर्थो नहीं होता है, इसके लिए आपको शिफ्ट कमांड जो है वो दबा के रखना पड़ता है, जब आप शिफ्ट दबाओगे तो ये लाइन एज आपका ऑर्थोग्राम करेगा, शिफ्ट को प्रेस कर के रखना पड़ेगा आपको। और आपको समझो समझो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे
क्लोज प्लाई, यस। अब जाके ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, बराबर। मुझे कुछ कर्व वाला शेप चाहिए, तो मैं बना सकता हूँ। देखो कैसे बनता है। यहाँ पे लिखा था कॉर्नर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको स्मूथ बेजियर, ये करके देखते क्या है। क्लिक, आपका शेप कैसा है वही हिसाब से वो चेंज होते जाएगा। बट अभी ये क्या हो रहा है मालूम है, अगर ये मुझे मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, वो खुद के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मेरे को दे रहा है। देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा। इसको पीछे बैक जाने के लिए आपको बैक स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, आया वापस नया नॉर्मल रूट पे आ गया ये। क्लिक, तो देखोगे आप तो ये ऊपर वाला शेप है ना इधर का, ये देखो ये भी चेंज होता जा रहा है, राइट। मतलब क्या है, ये खुद के हिसाब से थोड़ा काम कर रहा है, मुझे मेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, इसको स्मूथ को कुछ नहीं करेंगे, कॉर्नर रखेंगे, बेजियर रखेंगे। देखो क्या करना है, क्लिक, मैं ये क्लिक को होल्ड करके रखता हूँ और मैं इसको घुमाता हूँ। क्लिक जो है मैंने होल्ड करके रखी, माउस को ड्रैग किया, तो मेरा जो शेप जैसा चाहिए वही हिसाब से मैं इसको बना सकता हूँ। ओके, अब ये जो जिग जैग दिख रहा है ना, ये आप मिटा सकते हो। कैसे, मॉडिफिकेशन में आना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे नीचे इंटरपोलेशन स्टेप्स जो है 6 है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। या फिर आप ये करो एडेप्टिव, एडेप्टिव से क्या होगा, जितनी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से ये शेप मॉडिफाई होते जाएगा। अगर आप एडेप्टिव बंद करते हो और स्टेप्स बढ़ाते हो फिर भी चेंज हो रहा है, दोनों में से कोई भी यूज करो। आपको ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा के काम करना है या फिर एडेप्टिव में काम करना है। एडेप्टिव करो, कोई इशू नहीं, जितना रिक्वायरमेंट रहेगा वो खुद मैक्स अपने आप वो सेगमेंट्स ऐड करते जाएगा। ये सेगमेंट डाल रहा है, ये जो है ना ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं, मतलब सेगमेंट की ऐड हो रही है। यहाँ पे जहाँ पे कर्व शेप होता है, जहाँ पे शेप ज्यादा कर्व में घूम रहा है, वहां पे वो सेगमेंट्स अपने आप ऐड करते जा रहा है। ओके, इतना समझा, लाइन में इतना समझा। फिर मुझे क्या करना है, शेप को चेंज करना है। ये मैंने बना दिया, गलती से मेरे से कुछ गलती हो गई, चेंज करना है। कैसे करेंगे चेंज, लाइन के अंदर ये तीन चीजें होती है, वर्टेक्स, सेगमेंट, स्प्लाइन। देखो वर्टेक्स का मतलब होता है जहां पे मैंने क्लिक किया था वहां पे पॉइंट पॉइंट बनते हैं ये, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये सब वर्टेक्स है। सेगमेंट का मतलब होता है दो वर्टेक्स के बीच वाली जो लाइन है ना, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स के बीच वाली ये जो लाइन है ये मेरा सेगमेंट हो गया। और स्प्लाइन का मतलब होता है ओवरऑल पूरा शेप, समझा, वर्टेक्स, सेगमेंट, स्प्लाइन, याद रखना क्या है। मैं वर्टेक्स पकड़ता हूं तो मुझे ये दो लाइन मिलती है, ये उसके कंट्रोल हैंडल से, ये जो शेप मुड़ रहा है ना, ये शेप चेंज ऐसा कोर में घूम रहा है ना, इसका कंट्रोलिंग इसके अंदर है, इसके ऊपर है। अगर मैं ये चेंज करूं, तो शेप चेंज होगा। अभी मुझे क्या करने का है, देखो मैं ये पॉइंट को हिला रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब मुझे ऐसा चाहिए था, ये हिलने के जब मैं ये हैंडल हिलाता हूँ तो ये वाला शेप है ना, ये वाला इतना ही चेंज होना चाहिए, ऊपर का भी चेंज हो रहा है। देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो
तो आपको ये दिखता है बेजियर कॉर्नर स्मूथ रीसेट, ये चीजें दिख रही है ना, ये बाकी का सब भूल जाओ, ये वही है अपना, देखो स्प्लाइन है, सेगमेंट है, वर्टेक्स है, ये धीरे धीरे देखेंगे, अभी फिलहाल आपको इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये बेजियर कॉर्नर स्मूथ रीसेट। रीसेट का मतलब सबको मालूम है, रीसेट क्या होता है, रीसेट करना। अभी फिलहाल मेरा ऑन है बेजियर, दिख रहा है इसके ऊपर टिक मार्क है, बराबर। अगर मैं इसको कॉर्नर करूं तो क्या होएगा, राइट क्लिक कॉर्नर, ये एरिया कॉर्नर बन गया ऐसा, बराबर। राइट क्लिक अगर मैं स्मूथ करता हूं तो क्या होता है, देखो स्मूथ वापस वो शेप में आ गया। मैं राइट क्लिक करके पहले मेरा था बेजियर, ये हैंडल मुझे मिलते हैं, और बचा था हमारे पास बेजियर कॉर्नर, बराबर। हम लोगों ने बेजियर अभी देखा था क्या है, स्मूथ करके देखा था, कॉर्नर करके देखा था, अभी बचा क्या है, बेजियर कॉर्नर। बेजियर कॉर्नर से क्या होता है, आपका हैंडल जो है ना वो ऐसे रहेगा, बट कंट्रोलिंग जो है उसका चेंज होएगा, ये एरिया चेंज करूँ तो नीचे का एरिया चेंज होगा। और ये वाला चेंज करो तो ऊपर वाला चेंज होगा। शेप के अंदर ऐसा ओवरलैपिंग भी नहीं चलेगा, ये देख रहे हैं ना, ये लाइन ये वाले शेप के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग नहीं चाहिए। आपके जो वर्टेक्स पॉइंट से ये एक दूसरे को अटैच होने चाहिए, तब जाके ये शेप कंप्लीट रहता है, नहीं तो क्या फेगा फिर आपका, इसका जो सॉलिडनेस है ना, अभी हम लोग इसके ऊपर सॉलिडनेस नहीं डाले, इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करने के बाद ये सॉलिड बनेगा, ये शेप एज अ सॉलिड बनेगा, देखना आपको। देखो मैं एक मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे आगे, सॉलिड बन गया। अगर ये ऑब्जेक्ट समझो मेरा ओवरलैपिंग था, मैंने ऐसा कुछ किया था, ये ऐसा ओवरलैपिंग मैंने कर दिया, तो ये मेरा शेप सॉलिड नहीं है, कुछ नहीं दिखा रहा है मुझे, ओवरलैप हो गया है, इसके वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। से बहुत स्टूडेंट्स मेरे को डाउट पूछते हैं, मेरा मैंने शेप तो बना दिया है, वर्टेक्स ज्वाइंट नहीं रहते, मोस्ट ऑफ जो मैंने बोला था स्टार्ट एंड पॉइंट ज्वाइंट होना चाहिए, वो ज्वाइंट नहीं रहता है, खाली क्लिक करके वहाँ पे छोड़ देते हो, पर उसने पूछा था यस और नो, वो कुछ नहीं किया, कमांड नो कर दिया रहेगा या इसको स्किप कर दिया रहेगा वो कमांड, तो शेप कंप्लीट नहीं होने के वजह से या ओवरलैपिंग के वजह से वो सॉलिड नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कुछ नहीं, पक्का, क्योंकि यही आपको आगे जाके इसी का ही इस्तेमाल करना है, हम लोग यही टूल का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, लाइन रेक्टेंगुलर सर्कुलर बुलियन वगैरह, जब कॉम्प्लिकेटेड शेप्स आएंगे तभी कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्रिएटिविटी बनाना है, कुछ अलग ऑब्जेक्ट्स है तो हम लोग उसको ज्योमेट्री यूज ज्यादा यूज करेंगे, बट मैं ज्यादा स्प्लाइन यूज करना सिखाऊंगा, और मैं ज्यादा वही यूज करता हूँ स्प्लाइन, उसकी इससे काम फास्ट होता है, एडिटिंग फास्ट होती है इसके लिए, समझा इतना। बेजियर क्या है, कॉर्नर क्या है, बेजियर कॉर्नर क्या है, फिर स्मूथ क्या है, सबको समझा है? ओके। अभी इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कि ऑलरेडी आपको मैंने ये बुलियन दिखाया, और ये थोड़ा हेक्टिक भी नहीं बोल सकते, बट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ज़्यादा है इसके अंदर टॉपिक, ज़्यादा है, बहुत सारे अलग 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 है, चैम्फरिंग वगैरह, ये जो आपने ऑटोकैड में बहुत सारे पढ़े हैं, आपको कुछ इतना हार्ड नहीं लगेगा वो, बट नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये बाकी सब, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे।